हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कीमा मटर आलू, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम बनाने जा रहे हैं और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आते है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। इसमें हम 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होता है फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब यहाँ पर ना साइड में मैंने लिए हैं आलू, तो आलू का ऊपर का कवर मैंने निकाल लिया है और इस तरीके से पीसेस कट कर दिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आप अपने हिसाब से, मतलब जितना बना रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा क्वांटिटी। आलू को हम फ्राई करेंगे। देखिए, ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए, ये 70% पक चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्राई हो चुका है। पूरी तरीके से हमने नहीं पकाया है, नहीं फ्राई किया है। इसे मैं निकाल रही हूँ। देखिए, फ्राई करने से जो आलू है ना, उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे साइड में रख देंगे। सेम वही कढ़ाई है, इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इस तरीके से चॉप करके ऐड कर दिया है। प्याज का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। देखिए, इस तरीके से पिंक कलर आएगा। तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें कि अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। उसी के साथ हरी मिर्च का पेस्ट यहाँ पर देखिए 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा भी सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी आप खाते हो तो। सब चीज़ों को मिक्स करते हुए हम भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब कुछ ड्राई मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सब ड्राई मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्राई मसाला मैंने ऐड कर दिया है। उसी के साथ यहाँ पे टमाटर मैंने कट करके रखा था 1 मीडियम साइज़ का, इसे हम ऐड कर देंगे और मिक्स करते हुए भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब ये ड्राई हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी है। तो पानी हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब और फिर से मिक्स करते हुए हम इसे भून लेंगे। अब ये मसाला जो है कच्चा है, तो इसे कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। इसका कवर हम हटा देंगे और आप देख सकते हैं ऑयल इसमें से रिलीज हो रहा है, मतलब परफेक्ट यहाँ पे जो मसाला है भून के रेडी हो गया है। टमाटर भी इसमें गल चुके हैं। एक बार स्पून से हम चला लेंगे इसे इस तरीके से। अब साइड में मैंने यहाँ पे लिया है मटन कीमा, इसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। 1/2 kg है, आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो 1/2 kg यहाँ पे मटन कीमा मैं बना रही हूँ। इसमें ऐड कर दिया मैंने मसालों के साथ, भून रही हूँ इसे। देखिए, तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से सबसे पहले भून लेंगे 2 मिनट तक। अब यहाँ पर जो हमने आलू फ्राई करके रखा है ना, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम मिक्स करते हुए भून लेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है मटर, वो भी ऐड कर देंगे। मटर तो अभी इजीली मिल जाएगा आप लोगों को मार्केट में, तो वो मैंने 1 कप ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। देखिए, अभी से हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो बहुत ही अच्छे से गल जाएगा कीमा। इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है पकने में, क्योंकि कीमा है। तो 10 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके थे फ्रेंड्स। मैंने इसका कवर हटा दिया है, देखिए, और ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसमें जो आलू हमने डाला है, मटर डाला है, वो भी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है, गल चुका है, और कीमा भी गल चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल भी रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे परफेक्ट हमारा जो है कीमा बन के रेडी हो गया है। इसे हम गार्निश करेंगे फ्रेश हरे धनिया के पत्तों के साथ, जिसे वॉश करके कट करके ऐड कर दिया है मैंने। अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो पानी इसमें 1 गिलास के करीब ऐड करके फिर से बॉईल कर सकते हैं आप, लेकिन हमें इसी तरीके से चाहिए। आप इसे ट्राई कर सकते हैं रोटी के साथ या राइस के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, फटाफट से बन जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो जरूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आते तो प्लीज गिव मे बिग थम्स अप, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आसान सी रेसिपी और ब्लॉग के साथ। तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।